तो गाइस तो बीटी हो गया भाई, पुलिस वालों ने पकड़ लिया यार। देखो भाई बचा लिया यार। भाई हमने पूरा विला बुक किया है यार, देखो कितना सही लग रहा है और इससे पूल व्यू आएगा क्या मजेदार भाई। और ऊपर से बढ़िया वेदर, मतलब अभी बारिश आने को है। तो गाइस तो न्यू ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है, अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं निकलने लगा हूँ एक न्यू डेस्टिनेशन पे, बढ़िया एडवेंचर करने, काफ़ी फन वाला व्लॉग होने वाला है। और देखो अभी मैं एडिटिंग भी चल रही है साथ में भाई, एडिट लगा हूँ मैं। साले ये क्या मुजरा उठा लाया भाई, इतनी लालटेन, अबे मैं पीछे नहीं बैठूंगा यार, मेरे से नहीं बैठा जाता। सो गाइस तो फाइनली हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, कम टोल के पैसे तो बच रहे हैं जब नेविगेशन वो नहीं करता तो। अरे रास्ता भाई डिस्को बना दिया डिस्को। एक तो डीफॉगर मार ले भाई, वो चालू ये पिक्चर जा रहे भाई। जी क्या देखिए नीचे से आ रहा है। हां नीचे से ही राइट आ रहा है, यही तो बोल रहा था मैं, नीचे से राइट जाएगा ये। हां तो कोई नहीं, रास्ता बता रहा हूं। हां भाई G20 के चक्कर में ना इन्होंने मेन जो धौला कुआं वाला रास्ता है वो बंद कर रखा है, तो इस टाइम हम बसंत कुंज वाले रास्ते से जा रहे हैं, मतलब ये अंदर से ही रास्ता निकाल रहा है। तो दूसरी जगह चलो, अबे क्या है मसूरी में भाई, तू भी तो 10-15 बार तो गया होगा। हाँ तो फिर मैं 10 बार गया हूँ कम से कम यार, वो माना पहाड़ों का मजा। पर अभी हमने ना तो देख, तूने मैंने वही जयपुर बोला था भाई जाने का, हमारा वही सेट था भाई। गर्मी तो है, हमने तो मेन तो रिजॉर्ट में रहना है या फिर अपना भाई वहाँ जाएंगे थोड़ा बहुत हवा महल घूमने, वो चीजें फोर्ट वगैरह देखने, ये सब पैसे लाए। हाँ तो लाया हूँ मैं, थोड़ी आया हूँ, सबको मंकू थोड़ी ना समझ लेगा भाई। मौसम देख कितना कितना गच मौसम हो रहा है, कितना गच। चीटी आ रही है, ओए बंद करो शीशा बंद करो। तो भाई सुबह के 6:30 बज चुके हैं, अभी फिलहाल हम गुड़गांव में हैं और निकल रहे हैं भाई यहाँ से, थोड़ा सा लिकर शॉपिंग चल रही थी तो बस वही उस चक्कर में भाई बड़ा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे, और फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से। अराउंड 4 घंटे का रास्ता है ना, कितना है तो यहाँ से 4 करेगा, अबे अब क्या करेगा, कोठी बनाएगा कि उसमें। सो अराउंड 4-4.5 घंटे का रास्ता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे घूमर जो ड्राइवर चला रहे हैं भाई, 3 घंटे में तो लगा देगा ना सुबह सुबह पंच लाइन साला आया था बड़ा कमीना भाई। पर आपने देखा होगा इसको, पिछले ब्लॉग में हम दोनों मिले ही थे, तो आज भी इन भाइयों के साथ ही बनी और रिसेंटली एक ही दिन में हमने प्लान कर लिया भाई जाना है। गाइस तो अगर हम नेक्स्ट स्टॉप पे रुकेंगे तो वहां पहुंच के आपसे मिलते हैं। बचा लिया यार, अभी जयपुर हम नीचे गलती से ऊपर चढ़ गए थे भाई, फिर वापस लंबा यू टर्न लगता, बच गए भाई सीधा लेफ्ट लिए भाई। कितने पैसे लग जाएंगे भाई? 6-6 हजार से ज्यादा का जाएगा भाई। भाई मैं फोन करके पूछ लूं आंटी से, इस बार की कमेटी दे देगी नहीं, इस टाइम सुबह 7 बजे कमेटी खुल जाएगी सुबह सुबह ये भी बात है भाई, 7 बजे तो चाचा लेके बैठे कमेटियां। तो गाइस तो फाइनली अभी हमने एक ब्रेक लिया है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं और फिलहाल आप मौसम देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको आप मौसम देखो क्या क्रेजी मौसम हो रहा है। अभी फिलहाल दिल्ली में भी बारिश हो रही है और यहाँ पे भी देखो भाई क्या मस्त मौसम हो रहा है। बड़ा चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। A1 भाई, मतलब पूरे क्लाउड आप देख रहे होगे सामने, मतलब क्या क्रेजी वेदर है यार। और हम सोच रहे थे राजस्थान जाएंगे, गर्मी मिलेगी और मुझे तो लग नहीं रहा कि भाई यही मौसम मिलने वाला है पक्का ना। जबरदस्त भाई मजा आ जाएगा, तो बस इंतजार है वो स्विमिंग पूल में जाने के बाद ये बारिश का, जो हमने पूल पार्टी करते थे वैसे वैसा ही मजा लेंगे दोबारा। भाई गाड़ी कैसे चलेगी, कैसे चलेगी पहाड़ आ चुके हैं, देखो भाई साहब राजस्थान में भी पहाड़ है। देख तूने देखे पहले, इससे पहले राजस्थान में पहाड़ है? तो मतलब पहाड़ देखे इससे पहले? मैं गया जोधपुर में, मैंने पहाड़ वैसे नहीं देखे। जो भी दे रहे दो लेना। ये कौन सी गेम होती है मंकू, बताना नाम। चल झूठा। अच्छा करना क्या है इसमें? इसमें गोल करना।
अच्छा इतना बड़ा बर्गर लिया और आधा घंटा हमने लगाया। सो गाइस तो फाइनली अभी 63 किलोमीटर रह गए और 1.5 घंटा समथिंग दिखा रहा है, 1 घंटा ही दिखा रहा है प्रॉपर। तो देखते हैं 1 घंटे तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जाम भी काफी मिल रहा है। देखते हैं आगे भाई। अबे भाटी यही चीज पहले कर लेता इतना टाइम ना वेस्ट होता ना। लग ऊपर चल चल साले, तेरे को तब से बोल रहा है टोल रिचार्ज करते, टोल रिचार्ज काम नहीं होता तेरे से। तो पीटी हो गया भाई, पुलिस वालों ने पकड़ लिया यार। देखो क्या भाई, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। देखो बेल्ट नहीं लगाई होगी इन लोगों ने यार, खाने खा के पीटी होगी भाई। इसने नहीं लगाई थी, तूने नहीं लगाई थी? तूने नहीं लगाई? मैंने नहीं लगाई। भाई मैं हिसाब किताब करने, भाई मैं तो सोया नहीं था और पूरी रात से मैं सो गया। और भाई इसने क्या हुआ, इनका चालान कट गया पता नहीं कैसे क्या हुआ। मैं तो अभी उठा हूँ, जैसे अभी पाव भाजी वगैरह खाई है। और कितना रह गया अब यहाँ से यार? 25 मिनट का रास्ता, 25 मिनट रह गया। तो बस 25 मिनट समथिंग का रह गया। तो फिर मैं बताया नहीं मैं कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं भाई जयपुर। फिलहाल हम पहुँच गए हैं, तो अराउंड 10 किलोमीटर समथिंग रह गया है। तो बस हमारा रिजॉर्ट जो है हमने बुक किया था, 10 किलोमीटर के बाद वो आ जाएगा, फिर हम रिजॉर्ट पर पहुँच के मिलते हैं आपसे। तो आप थोड़ा सा नज़ारे ले लो जयपुर। हमारे रिजॉर्ट में काफी बड़ा रिजॉर्ट है भाई, इंडिया के नागरिक नहीं है ये। वो भी ये देख, वो नहीं बने होते पाकिस्तान बॉर्डर टावर होते वैसे ही बनते हैं। इस देश का वासी नहीं है तू, गलती से तेरे को किसी सरकारी आदमी ने पकड़ लिया ना, तेरी वो नहीं है रिहाई। गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप हुआ हूँ, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा नींद भरी हुई आँखों में, बिकॉज पूरी रात से मैं सोया नहीं हूँ। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं बुफे एरिया में, देखते हैं कुछ खाने को है कि नहीं है। भाई रिजॉर्ट तो बहुत सही है। लंच में क्या है? शाही पनीर, मटर पनीर, राजमा चावल, बटर चिकन, मलाबार पराठा। भाई इतना खाना देख के हम पागल नहीं हो गए भाई? गजब बेइज्जती है। हमें बोल रहे हैं लंच करने जाके, भाई यहाँ तो खाली पड़ा है यार, हमारे साथ सही पॉकेट कर दिया। और क्या, हमें तो कहा लंच करने। रिजॉर्ट तो यहाँ से काफ़ी सही लग रहा है देखने में, आप देख सकते हो बढ़िया व्यू है। और ये कुछ रिजॉर्ट का नाम है स्टारडम रिजॉर्ट, लॉन भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पूल व्यू है, मैं दिखाता हूँ आपको। यार वही करते हैं जो तू बोल रहा है अंदर, वो पेस्ट्री वाला भाई, इससे दूर वही वाला हाल मचाओ। तो फिलहाल अभी मैं आ गया पूल के पास, आपके हल्का सा लुक अराउंड देता हूँ। भाई क्या सेक्सी पूल है यार, क्या व्यू आ रहा है ये देखो भाई। और ऊपर से बढ़िया वेदर, मतलब अभी बारिश आने को है। अब बाकी मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा, मैं बाकी आपको बाद में दिखाऊंगा जब मैं पूल में जाऊँगा। तो हल्का सा आपको स्नीक पिक दे दिए। भाई हमने पूरा विला बुक किया है यार, देखो कितना सही लग रहा है और इससे पूल व्यू आएगा, क्या मजेदार। अभी आपको चल के दिखाते हैं विला जो हमने पूरा सुइट ये बुक किया है। टूर ले लो गाइस, हमारा स्वीट दिखाते हैं आपको। तो गाइस तो ये हमारा रूम है, तो इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। अब रूम का टूर अगले व्लॉग में देखना। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग, जल्दी मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।